Hello friends, welcome back to the another video lecture of field theory. Make sure that you have watched our previous video. तो previous video में हमने जाना था कि algebraic extension, transcendental extension और algebraic elements क्या होते हैं और उनके corresponding में हमने कुछ examples भी देखे थे. तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है और कैसे कोई भी अल्जेब्रिक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में हम कैसे मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. ये दो चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. तो बढ़ते सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ जो कि है मिनिमल पॉलिनॉमियल. तो मिनिमल पॉलिनॉमियल समझने से पहले हम एक थ्योरम समझेंगे क्योंकि ये थ्योरम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी थ्योरम के बाद मिनिमल पॉलिनॉमियल का कंसेप्ट आया है. तो ये अगर किसी को थ्योरम समझ में आ जाएगा तो मिनिमल पॉलिनॉमियल समझना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. तो चलिए बढ़ते इस थ्योरम की तरफ. तो थ्योरम बेसिकली कहना क्या चाहता है, लेट ई बी एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ एंड लेट यू बी अल्जेब्रिक ओवर एफ, लेट पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनॉमियल ऑफ द लीस्ट डिग्री सच दैट पी ऑफ यू इक्वल टू जीरो, देन दिस कंडीशन इज ट्रू. अभी कंडीशन क्या है वो बात की बात है, पहले थ्योरम का गिवन पार्ट को समझ लेते हैं. तो बेसिकली थ्योरम में सिंपली क्या कहा है, आपके पास है एक बेस फील्ड जो कि एफ है और उसका एक्सटेंशन कौन है, वो है ई. अब इस एक्सटेंशन के अंदर एक एलिमेंट है जो कि U है और वो एलिमेंट कैसा है, अल्जेब्रिक है. अब गाइस अल्जेब्रिक क्या होता है, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. तो अल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है कि इस U के करस्पॉन्डिंग में क्या एग्जिस्ट करेगा, एक पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करेगा और वो पॉलिनॉमियल सिंपली कौन है, पी ऑफ एक्स कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री सबसे छोटी है. ये पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसी है, सबसे छोटी है, लीस्ट डिग्री का ये पॉलिनॉमियल है. तो थ्योरम के गिवन पार्ट में क्या कहा गया है कि आपके पास है एक अल्जेब्रिक एलिमेंट यू और इस अल्जेब्रिक एलिमेंट के यू के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, अल्जेब्रिक है इसका मतलब क्या, इसके करस्पॉन्डिंग में कम से कम एक पॉलिनॉमियल तो पक्का एग्जिस्ट करेगा जो यू उसका रूट बनेगा. तो मान लीजिए ऐसे बहुत सारे पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करते हैं, एक को मैं कह देता हूँ पी ऑफ एक्स, एक को कह देता हूँ मैं जी ऑफ एक्स, एक को कह देता हूँ मैं एच ऑफ एक्स, बहुत सारे पॉलिनॉमियल है. बट हमें पॉलिनॉमियल कौन सा लेना है जो सबसे लीस्ट डिग्री का है. तो मान लीजिए वो लीस्ट डिग्री का पॉलिनॉमियल कौन है, पी ऑफ एक्स है, जिसकी डिग्री सबसे क्या है, छोटी है. तो इतना ही क्वेश्चन में गिवन पार्ट है. तो क्वेश्चन में सिंपली क्या कहा गया है कि यू आपके पास एक अल्जेब्रिक एलिमेंट है, अल्जेब्रिक एलिमेंट है दैट मींस इसके करस्पॉन्डिंग में बहुत सारे पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट होंगे जिसका यू क्या बनेगा, रूट बनेगा. मतलब मैं अगर एक्स की जगह पे यू पुट कर दूंगा तो जीरो मिलेगा, अगर यहाँ पे भी मैं जी ऑफ यू फाइंड आउट करूंगा तो वो भी जीरो मिलेगा, एच ऑफ यू फाइंड आउट करूंगा तो वो भी जीरो मिलेगा क्योंकि यू उन सब पॉलिनॉमियल्स का रूट है. बट इन सारे पॉलिनॉमियल में से मुझे कौन सा पॉलिनॉमियल लेना है जिसकी डिग्री सबसे छोटी है. तो ये है गिवन पार्ट थ्योरम का. अगर ये चीज़ें ट्रू है तो ऐसे में क्या होगा, ये जो पी ऑफ एक्स है ये क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा ओवर एफ. मतलब जो सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनॉमियल है कौन है, पी ऑफ एक्स, ये क्या होगा, ये इररिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल होगा. तो ये थी पहली कंडीशन. तो दूसरा बेसिकली क्या कहता है, अगर आप इस U के करस्पॉन्डिंग में दूसरा पॉलिनॉमियल ले ले जो कि जिसकी डिग्री लीस्ट नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, कभी भी छोटी डिग्री वाला पॉलिनॉमियल बड़ी डिग्री को क्या करता है, डिवाइड करता है. तो इन सारे पॉलिनॉमियल में सबसे छोटा पॉलिनॉमियल कौन है, छोटी डिग्री का पॉलिनॉमियल कौन है, पी ऑफ एक्स. तो ये जो पी ऑफ एक्स है ये क्या करेगा, जी ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा. बट जी ऑफ एक्स कैसा पॉलिनॉमियल है, इस यू के करस्पॉन्डिंग वाला पॉलिनॉमियल है और इस यू के जितने चाहे उतने करस्पॉन्डिंग पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट हो सकते हैं, बट एक तो पक्का एग्जिस्ट होगा क्योंकि वो यू कौन है, अल्जेब्रिक है. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि u ऑफ एक्स इररिड्यूसिबल होगा. दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर आप g ऑफ एक्स दूसरा एक पॉलिनॉमियल ले ले जिसका u एक रूट है तो क्या होगा, छोटी डिग्री वाला पॉलिनॉमियल जो कि कौन है, p ऑफ एक्स, उस g ऑफ एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. और जो कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. तो तीसरा क्या कहता है, बेसिकली ये जो आपने पी ऑफ एक्स फाइंड किया है जिसकी सबसे डिग्री छोटी है, अगर वो मोनिक है तो उस पूरे पॉलिनॉमियल के अंदर सिर्फ एक ही मोनिक पॉलिनॉमियल होगा, सिर्फ एक ही मोनिक पॉलिनॉमियल होगा जो कि इररिड्यूसिबल है और सबसे छोटी डिग्री का है. मतलब क्या, हम हर एक यू के करस्पॉन्डिंग में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मोनिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी डिग्री सबसे छोटी है. तो सबसे डिग्री छोटी यहाँ पे कौन है, पी ऑफ एक्स है. तो पी ऑफ एक्स के अंदर एक ही ऐसा पॉलिनॉमियल होगा जो मोनिक होगा. अब मोनिक क्या होता है, बेसिकली मोनिक पॉलिनॉमियल का जो लीडिंग कोफिशियंट होता है वो 1 होता है. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज 3x² + 5, ये मोनिक पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसका जो लीडिंग कोफिशियंट है वो कौन है, 3 है. मैंने लिख दिया x² + x³, ये मोनिक पॉलिनॉमियल
पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसका जो लीडिंग कोफिशियंट है, लीडिंग कोफिशियंट का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोफिशियंट वो 1 आना चाहिए, उसे हम कहते हैं सिंपली मोनिक पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका लीडिंग कोफिशियंट कौन है, 1 है, इसीलिए ये पॉलिनॉमियल क्या होगा, मोनिक पॉलिनॉमियल होगा। तो बेसिकली क्या है ये थर्ड स्टेटमेंट, क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास पी ऑफ एक्स है जो कि एक इररिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल है और सबसे छोटी डिग्री का है, वो वहाँ पे सिर्फ एक ही मोनिक पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट होगा, एक ही मोनिक पॉलिनॉमियल, उसके अलावा और 3-4 मोनिक पॉलिनॉमियल नहीं हो सकते हैं। वही मोनिक पॉलिनॉमियल को आगे जाके हम मिनिमल पॉलिनॉमियल कहना चाहते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से कैसे मिनिमल पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन हुआ। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल बेसिकली हम एक अल्जेब्रिक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो अल्जेब्रिक एलिमेंट था वो कौन था, U था, और इस U के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, बहुत सारे पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करेंगे, से पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स या फिर एच ऑफ एक्स, बहुत सारे पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट होंगे। बट उन सारे पॉलिनॉमियल्स में हमें क्या करना है, सबसे लीस्ट डिग्री वाला पॉलिनॉमियल ढूंढना है, सबसे लीस्ट डिग्री वाला पॉलिनॉमियल। सपोज वो पॉलिनॉमियल कौन है, पी ऑफ एक्स है, और अगर ये पॉलिनॉमियल मोनिक हुआ तो इस टाइप के पॉलिनॉमियल्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, मिनिमल पॉलिनॉमियल कहते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री सबसे छोटी है और ये मोनिक भी होना चाहिए। ऐसे टाइप के पॉलिनॉमियल्स को सिंपली हम क्या कहते हैं, मिनिमल पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो इसका हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या है। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या होता है, ये एक पॉलिनॉमियल होता है, और मोर ओवर ये पॉलिनॉमियल कैसा होगा, पहली बात वो मोनिक होगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम में देखा, इररिड्यूसिबल होगा और सबसे छोटी डिग्री का होगा, और जिसके लिए यू क्या बनेगा, यू उसका रूट बनेगा। उस टाइप के पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल। बट किसके करस्पॉन्डिंग में बना, यू के करस्पॉन्डिंग में वो मिनिमल पॉलिनॉमियल बना। मतलब जितने भी अल्जेब्रिक एलिमेंट है, जितने भी अल्जेब्रिक एलिमेंट है, हर एक अल्जेब्रिक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये है आपका बेस फील्ड F और ये है आपका एक्सटेंशन E, और इस एक्सटेंशन के अंदर बहुत सारे अल्जेब्रिक एलिमेंट है। मोर ओवर ये एक्सटेंशन कैसा है, अल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। अल्जेब्रिक एक्सटेंशन है मतलब क्या, हर एक एलिमेंट क्या होंगे, अल्जेब्रिक एलिमेंट होंगे। हर एक एलिमेंट अल्जेब्रिक एलिमेंट है मतलब क्या, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में बहुत सारे पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट होते हैं, उनमें से सबसे छोटा डिग्री का पॉलिनॉमियल लीजिए जो कि एक इररिड्यूसिबल होगा और मोनिक होगा। उस टाइप के पॉलिनॉमियल को सिंपली हम क्या कहते हैं, मिनिमल पॉलिनॉमियल कहते हैं। मतलब क्या, हम हर एक अल्जेब्रिक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमल पॉलिनॉमियल जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने जाना कि मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है। अब वक्त आ गया है कि हम यहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मिनिमल पॉलिनॉमियल्स ओवर क्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास कुछ नंबर्स है और इनके हमें मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जैसे कि ए और सी करूँगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि बी और डी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, और मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री भी आपको बतानी है। तो बढ़ते सबसे पहले एलिमेंट की तरफ जो कि क्या है, रूट टू प्लस फाइव। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये एक अल्जेब्रिक एलिमेंट है, क्योंकि हम हमेशा अल्जेब्रिक एलिमेंट का ही मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे यू कौन है, यू अल्जेब्रिक एलिमेंट को यूजुअली यू से डिनोट करते हैं, तो यू इज इक्वल्स टू रूट टू प्लस फाइव, ये मेरे पास अल्जेब्रिक एलिमेंट है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, एक मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है। पहली बात, ये अल्जेब्रिक है, दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग में बहुत सारे पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट होंगे, जैसे कि पी ऑफ एक्स, जी, क्यू, बहुत सारे पॉलिनॉमियल होंगे। उन सारे पॉलिनॉमियल्स में से हमें क्या करना है, सबसे लीस्ट डिग्री का ढूंढना है और वो मोनिक होना चाहिए। ऐसे टाइप के पॉलिनॉमियल्स को सिंपली हम क्या कहते हैं, मिनिमल पॉलिनॉमियल कहते हैं, और मोर ओवर वो इररिड्यूसिबल भी होना चाहिए। ठीक है, बाय ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वो इररिड्यूसिबल होता ही होता है, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन में रूट हो रहा है, इसीलिए वो इररिड्यूसिबल है, तभी तो एक्सटेंशन में उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 5 को वहाँ भेज देता हूँ, तो u माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा रूट 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो u माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे स्क्वायर खोल देते तो u स्क्वायर माइनस 5 टू 10 u प्लस 25 इज इक्वल्स टू u 2। यू स्क्वायर माइनस 10 यू 25, 2 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25 के साथ, जो कि हमें सिंपली 23 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली पॉलिनॉमियल तैयार हो गया हमारा। तो पॉलिनॉमियल कौन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 10 यू प्लस 23। बट पॉलिनॉमियल कहीं ना कहीं एक्स के टर्म से बहुत ही अच्छा दिखता है, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 23। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल बन जाएगा पी ऑफ एक्स।
तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया एक पॉलिनोमियल। बट आप बोलोगे कि क्या गारंटी कि मिनिमल पॉलिनोमियल है। देखिए हम इस टाइप से जब हम फाइंड करते हैं तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल ही हमें बन के मिलता है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग की जगह पे अगर आपने दो टाइम स्क्वायर कर दिया, तीन टाइम यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायर करते गए क्यूबिक करते गए क्यूबर करते गए, तो क्या होगा, आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल मिलेंगे। बट उन सारे पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, ये सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और आप देख सकते हो इसकी जो कोफिशियंट है, लीडिंग कोफिशियंट, वो कौन है, वन है। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। अगर सपोज यहाँ पे स्क्वायरिंग के बजाय अगर मैं क्यूब करता, तो ये यहाँ पे स्क्वायरिंग के बजाय अगर मैं यहाँ क्यूब करता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट टू नहीं जाता, रूट टू नहीं जाता मतलब रूट टू अभी भी आ रहा है, जो कि क्यू ऑफ एक्स के अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सारे कोफिशियंट्स, इस पॉलिनोमियल के सारे कोफिशियंट्स कहाँ आने चाहिए, क्यू ऑफ एक्स के अंदर, मतलब बेसिकली क्यू के अंदर आने चाहिए। मतलब ये पॉलिनोमियल कहाँ डिफाइन किया होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स में डिफाइन किया होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे मैंने यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो बेस एलिमेंट है, अलजेब्रिक एलिमेंट है, वो कौन है, माइनस वन प्लस रूट टू, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो सिंपली क्या मिल जाएगा, माइनस वन प्लस रूट टू, ये टर्म देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वन को वहाँ ले जाऊँगा तो प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा रूट टू। अगेन मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, यू रेज टू फोर प्लस टू टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू। इस टू को यहाँ भेज दूंगा तो यू रेज टू फोर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हो मेरा पॉलिनोमियल तैयार हो चुका है, जो कि सिंपली पॉलिनोमियल कौन है, एक्स रेज टू फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। किसके करस्पॉन्डिंग का मिनिमल पॉलिनोमियल है, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग का मिनिमल पॉलिनोमियल है। आप चाहे तो जितने चाहे उतने बार स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर सपोज एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट हम करते हैं। तो सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, एक रूट ले लिया x इक्वल्स टू रूट टू, इसके करस्पॉन्डिंग में मुझे मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली पहला पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये मेरा पहला पॉलिनोमियल बन गया। सपोज किसी ने स्क्वायर के जगह फोर टाइम्स का पावर ले लिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा टू रेस टू स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स रेस टू फोर माइनस फोर, ये भी जो आया ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इस अलजेब्रिक एलिमेंट जो कि कौन है, एक्स इक्वल्स टू रूट टू, इस एक्स इक्वल्स टू रूट टू के करस्पॉन्डिंग में जितने चाहे बहुत सारे पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो नंबर वन वाला भी एक पॉलिनोमियल है, नंबर टू वाला भी उसका एक रूट है, इसलिए वो भी एक पॉलिनोमियल है। बट हमें ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री सबसे छोटी होनी चाहिए और मोनिक होनी चाहिए। तो देखो डिग्री सबसे छोटी कौन है, टू है, और ऊपर से मोनिक भी है। अगर आप यहाँ पे जितने चाहे उतनी पावर बढ़ाते जाओगे ना तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। बट सबसे बेसिक सा कब है, जब इस हमें कब तक इसको स्क्वायर रूट लेना है, कब तक स्क्वायर करना है, जब तक इसके सारे कोफिशियंट्स क्यू में ना आने लगे, क्यू ऑफ एक्स बेसिकली जो हमारा बेस फील्ड है उसमें ना आने लगे, ठीक है। जैसे ही सारे कोफिशियंट क्यू में आ जाएंगे तो समझ जाना आपको मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया है। या फिर क्या होगा, उसके बाद भी अगर आप स्क्वायर कर रहे हो और क्यूब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके बाद वो मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे पहली बार में ही सारे कोफिशियंट्स क्या हो गए, क्यू में मिलने लगे। यहाँ पे भी मुझे मिल रहे बट सबसे पहली बार में कहाँ मिले, इस केस में मिले। तो ये जो केस है ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल देगा। आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया और एक्चुअली में मिनिमल पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।